हेलो एवरीवन, तुहाडे सारिआं दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरु जी दे। दोस्तो, अज दी क्विज विच आपां पंजाब जी के दे मोस्ट इंपोर्टेंट एम सी क्यू की क्विज करन जा रहे हैं। ये एम सी क्यू तुहाडे एग्जाम दे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल साबित होणगे। फ्रेंड, अज दी क्विज विच तुसीं जिन्ना भी स्कोर करदे हो वो अपनी इमानदारी नाल वीडियो दे एंड विच तुसीं कमेंट बॉक्स च जरूर दसना जी। नाले अज दी वीडियो दी पीडीएफ तुसीं साडे टैलीग्राम चैनल तों डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स च मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड विच आपां जिन्हां साथियों ने लास्ट क्विज विच वधिया स्कोर किया सी उन्हां दे नां अनाउंस करांगे। इस तरह ही जिन्हां साथियों ने अज दी क्विज विच वधिया स्कोर किया उन्हां दे नां नैक्सट क्विज विच अनाउंस किए जाएंगे। फ्रेंड, वीडियो जेकर तुहानूं वधिया लगे तो वीडियो नूं लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों दे नाल शेयर करिओ जी। हाँ जी फ्रेंड, अज दी इस क्विज नूं स्टार्ट करन तों पहलां जिहड़े भी साथी लाइव होए ने उन्हां सारिआं अगे मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट हैगी है कि प्लीज़ एक बारी इस सैशन नूं अपने वट्सएप ग्रुप विच शेयर कर दो तां जो तुहाडे फ्रेंड भी इस क्विज़ नूं जॉइन कर सकन। हाँ जी फ्रेंड, जल्दी तो जल्दी अपनी ईमानदारी नाल एक बार वीडियो नूं शेयर कर दो जी। तो हरेक क्वेश्चन दे लई तुहानूं 5 सैकेंड का समा मिलेगा, उस तो बाद मैं तुहानूं क्वेश्चन का आंसर दसांगा, पर उस तो पहलां तुसीं अपनी ईमानदारी नाल एक बार वीडियो नूं शेयर कर दो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज दी क्विज़ नूं। फस्ट क्वेश्चन दिता होया है, सिख शब्द हेठां दित्तियां विचों किहड़ी भाषा विचों उपजे है? जी, चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी संस्कृत, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी यूनानी, थर्ड ऑप्शन हैगा रोमन, तो फोर्थ हैगा जी पाली। हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड है जी, तुसीं दसना है कि जिहड़ा सिख शब्द है जिहड़ा किहड़ी भाषा विचों उपजे है। हाँ जी, जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुने है संस्कृत, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हेठां दित्ते विचों सिंध गोष्ठ किहड़े गुरु साहिब की रचना है? हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड का समा हैगा जी इस क्वेश्चन नूं सोल्व करन दे लई। हाँ जी, जेकर तुसीं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनते हो गुरु नानक देव जी तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। गुरु नानक देव जी नूं किहड़े दरिया के कंढे ज्ञान प्राप्ति हुई सी? हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड है जी। हाँ जी, जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी वेई, उन्हां दा आंसर है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। खडूर साहिब किहड़े सिख गुरु साहिबान ने वसाया? हाँ जी, चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी गुरु अंगद देव जी, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी गुरु अमरदास जी, थर्ड ऑप्शन हैगा गुरु अर्जन देव जी, तो फोर्थ हैगा जी उपरोक्त विचों कोई ने। हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड ने जी। हाँ जी, जेकर तुसीं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुनते हो जी गुरु अंगद देव जी तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। गुरु नानक देव जी के संदेश दूर दुराडे फैलाउण लई मंजी प्रथा किहड़े गुरु साहिबान ने शुरू की सी? हाँ जी, चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी गुरु अमरदास जी, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी गुरु अर्जन देव जी, थर्ड ऑप्शन हैगा जी गुरु रामदास जी, तो फोर्थ हैगा गुरु अंगद देव जी। तुहाडे कोल 5 सैकेंड का समा हैगा जी। जेकर तुसीं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुनते हो गुरु अमरदास जी तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नूं लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल शेयर करो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। सिख विआह नूं विधि पूर्वक संपूर्ण करने लई लावां दी रचना किसने की? चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी गुरु अर्जन देव जी, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी गुरु अंगद देव जी, थर्ड हैगा जी गुरु रामदास जी, तो फोर्थ हैगा जी उपरोक्त विचों कोई ने। हाँ जी, जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनिया गुरु रामदास जी, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। गुरु अर्जन देव जी ने हेठ दित्तियां विचों किहड़े सरोवर की उसारी मुकम्मल करवाई सी? हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड ने जी।
हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनिया जी, ए अते बी दोवें यानी कि संतोखपुर अते रामसर सरोवर, तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। नैक्सट क्वेश्चन है जी, अपनी कमाई का दसवां हिस्सा दान करन दी क्रिया किसने आरंभ की सी? चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी गुरु अर्जन देव जी, सैकेंड ने जी गुरु रामदास जी, थर्ड ने जी गुरु अमरदास जी, तो फोर्थ ने जी गुरु तेग बहादुर जी। तुहाडे कोल 5 सैकेंड ने जी। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुने गुरु अर्जन देव जी, तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है, पोथी साहिब यानी आदि ग्रंथ की रचना किसने की? चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी गुरु अमरदास जी, सैकेंड ऑप्शन है जी गुरु हर राय जी, थर्ड ऑप्शन है जी गुरु हरगोबिंद जी, तो फोर्थ है जी गुरु अर्जन देव जी। हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड है जी, तुसी दसना है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की सी। हाँ जी, जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुने है गुरु अर्जन देव जी, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। रुहेला पिंड जो गुरु अर्जन देव जी द्वारा मुड़ वसाया गया नूं केड़ा नवां नाम दिता गया? हाँ जी, चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी गोइंदवाल साहिब, सैकेंड ऑप्शन है जी खडूर साहिब, थर्ड ऑप्शन है जी कीरतपुर साहिब, तो फोर्थ है जी श्री हरगोबिंदपुर। हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड ने जी। हाँ जी, जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुने है श्री हरगोबिंदपुर, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है, लोहगढ़ किले की उसारी किसने करवाई? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स से दसना है, ऑप्शन मैं तुम्हें दस देना। फस्ट है गुरु हरगोबिंद जी, सैकेंड ऑप्शन है जी गुरु हरिकृष्ण, थर्ड ऑप्शन है जी गुरु हर राय जी, तो फोर्थ है जी उपरोक्त विचों कोई ने। हाँ जी फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स से दसना है। क्वेश्चन है जी लोहगढ़ किले की उसारी किसने करवाई? चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। बंदी छोड़ नाम किस गुरु जी नूं दिता गया है? चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी गुरु हरे राय जी, सैकेंड ऑप्शन है गुरु हरकृष्ण जी, थर्ड ऑप्शन है जी गुरु हरगोबिंद जी, तो फोर्थ है जी गुरु गोबिंद सिंह जी। हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड का समा है जी, तुसी दसना है कि बंदी छोड़ नाम किस गुरु जी नूं दिता गया है। हाँ जी, जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुने जी गुरु हरगोबिंद जी, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, शाहजहां ने सब तो वड्डे पुत्र दारा शिकोह ने इन्हां विचों किहड़े गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया? हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड का समा है जी। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनते हो जी गुरु हरि राय जी, तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है, इन्हां विचों किसनों बाला पीर का नाम दिता जाता है? चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी गुरु हरिकृष्ण जी, सैकेंड ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर जी, थर्ड ऑप्शन है जी गुरु नानक देव जी, तो फोर्थ है जी गुरु हर राय जी। हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड का समा है जी, तुसी दसना है कि इन्हां विचों किसनों बाला पीर का नाम दिता जाता है। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुनते हो गुरु हरकृष्ण जी, तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। गुरु तेग बहादुर जी वालों वसाया चक नानकी बाद विच किस नाम नाल मशहूर होया? चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी आनंदपुर साहिब, सैकेंड ऑप्शन है जी गोइंदवाल साहिब, थर्ड ऑप्शन है खडूर साहिब, तो फोर्थ है जी उपरोक्त विचों कोई नहीं। हाँ जी, तुहाडे कोल 5 सैकेंड का समा है जी इस क्वेश्चन नूं सोल्व करन दे लई।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਦੌੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਅਲਿਫ ਖਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਮੋਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਰਮੋਰ ਦੀ ਯੁੱਧ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਦੌੜ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਸਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਸਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਫਰੈਂਡ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਇਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।